सजनों बेलियो मित्रों तो मेरे काशकार बराओ अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन तो मैं हाँ थोड़ा मेज़बान यासर मुमताज़ जिमें कि तुम जानते हो कि मैं ज़रात के तवसत नाल असी तुहाडे कोल हमेशा मुफीद मशवरे लैके आने हैं। तो अज असी कपाह दे एक जे खेत च खड़ोते हैं जिथे असा तुहानू अज गुलाबी सुंडी दे तदारक दे बारे च दसांगे। तो अज असा तुहानू जिनसी फंदियां दे बारे दसण जा रहे हैं। ये जिनसी फंदे जिहड़े ने फसल दे विच जिहड़ा गुलाबी सुंडी नू किवें कंट्रोल करदे ने, की इहनां दा किरदार है, अज दी वीडियो च असा तुहानू सारा कुछ दसण जा रहे हैं। मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने ज़रात ऑफिसर मुहम्मद अमर इकबाल। तो असा बावल नगर के एक मौजे दे विच मौजाजात विजिट कर रहे हैं। तो बावल नगर के एक मौजे दे विच खड़े हैं। तो असा तुहानू उत्थों बराह रास्त विखा रहे हैं। यह देखो जो तुम्हें पीला नज़र आ रहा है, यह है जिनसी फंदा। इन गुलाबी सुंडी के परवाने कैद किए जाते हैं। किमें परवाने जोड़े इतने आते हैं, इस डब्बे किमें फसते हैं, ये सारा तरीकेकार और सारी तफसीलात सू जो अमर इकबाल ज़रात ऑफिसर साहब सा मौजूद ने यह सू दसणगे। अस्सलाम वालेकुम अमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमर साहब जरा साढ़े काशकार भरावान गुलाबी सुंडी तो बचण वास्ते जरा जिनसी फंदा तुम्हें लाया है इनके बारे मुकम्मल तफसीलात आगाह करो। ये एक एक फसल खेत किन्ने एकड़ का खेत है जिंद लाते हो, कितनी तादाद से लाते हो, तो किमें कंट्रोल करते हैं? बहुत शुक्रिया यासर साहब, तुसी सानू मौका दिता कि असी जिमीदार गलबात कर सकी गुलाबी सुंडी के हवाले। अगर गल करिए तो गुलाबी सुंडी कपाह का सब तो ज़्यादा खतरनाक कीड़ा है। और एक कीड़ा खतरनाक ज़्यादा क्यों है कि एक छुपा है, इनका पता उदो लगता है जो साढ़े फुल खराब हो जाए या साडा टेंडा जो खिलदा है कपाह का, तो उस टाइम सानू पता लगता है कि अद्धा टेंडा खिलिया है अद्धा नहीं खिड़िया। इस वजह तो इस असी गुलाबी सुंडी नू छुपा कीड़ा असी आखने हैं। ये कपाह की क्वालिटी भी खराब करता है, कपाह की म्यार नू यानी कि खराब करता है, तो कपाह की मकदार नू भी खराब करता है और पैदावार च कमी करता है। पैदावार च कमी होती क्योंकि फुल वो पूरा जिहड़ा ना वो साडा टेंडा जिहड़ा है खेड़ ही नहीं पाता। अच्छा, जिस तरह इनू मोनीटरिंग करनी होंगी, अगर कोई आखे ना कि जिनसी फंदे ला के तो असी गुलाबी सुंडी नू काबू कर लवेंगे, तो ये गल गलत है। ये सिर्फ जिम मैं तुम दस ना चोर कीड़ा है, चोर कीड़ा है, उसका पता दान वास्ते ये असी फंदे लवाने हैं, ताकि अगर इन परवाने आ रहे हैं तो सानू आईडी पता लग जाता है कि हुण इस इलाके दे विच हुण गुलाबी सुंडी का मसला है और गुलाबी सुंडी हुण गई है आ, तो हुण सानू इन वास्ते कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, कोई स्प्रे करना चाहिए। थोड़ी जी मैं वजाहत देता चला कि यह आम डब्बा है, जिस तरह असी साढ़े किचन में इस्तेमाल होंगे नमक मिर्च वाले डब्बे होंगे ने उस तरह के, लेकिन थोड़ा जी इन्हें आ कीफ तुसी देख रहे हो गए ये बनाई गई है, इन्हें अस थोड़ा जहा पानी पवा दें, बाद थोड़ी जी दवाई पवा दें, खुश्क भी रख दो तो मसला कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह हूँ मैं खोला है, अगर खुश्क होता इन जिन्हें भी जिंदा परवाने होंगे तो मेरे हाथ से वो कोई नहीं आने से। तो ये डब्बा जोड़ा है इन आते ने पकड़ना सर, थोड़ी जी हेल्प भी कराओ। यह यासर साहब जी असल मेन चीज़ है ना, यह तुम देख रहे हो गए इन अगर कैमरे में भी फोकस हो रहा होगा, यह जो कैप लिया कैमरा अगे लिया, यह कैपूल है जोड़ा मेन इन एक खुशबू निकलती है, वो खुशबू या फेरामून असू अपनी जबान कहने कि वह फेरामून इन निकलता है। फेरामून होंदा किस चीज़ का है? ये गुलाबी सुंडी दे मादा परवाने की खुशबू होंदी है, लेकिन असल खुशबू नाल थोड़ी जी तेज़ होंदी है, तेज़ होंदी है। जो ये खुशबू फैलती है सानू नहीं आएगी, सिर्फ परवाने नहीं आएगी। जो ये फैलती है तो वह नर परवाना यह समझता है कि मेरे हुण मादा मौजूद है, तो मैं हुण उस वास्ते मिलाप वास्ते जुफ्ती वास्ते पहुँच जाता है, जबकि इन आँदी नहीं और वो इन्नी तेजी आता है कि वह आके इन वजदा तो और अंदर ही थले गिर थले डिग जाता है, और थले असी पानी पाया होंगे या कोई दवाई होंगी है कोई चीज़ होंगी है तो वह अंदर जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, इनकी जी ऊंचाई है ना, ये पौधा जो लगे हुए तो साड़ी फसल है उस तू 6 इंच तो लैके 1 फुट तक उच्ची होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तू कम उच्ची हुई ना तो उनका काम ज़्यादा नहीं करता, इस तू ज़्यादा चली जाए तो फिर भी नहीं करता, नहीं काम करता, क्योंकि गुलाबी सुंडी दे जिहड़े जुफ्ती करते ना ये रात दे टाइम करते हैं और पौद्यां दे उत्ते उड़दे हुए 1 फुट 6 इंच उच्चे आके जनाब ये ना इन्हों का मामला तो होंगे ने। यह सारा है चक्कर जिनसी फंदियां दा, ते जिनसी फंदे सानू सिर्फ इतलाह देंदे ने कि जनाब तुहाडे खेत विच हुण गुलाबी सुंडी दा हमला होण वाला है, हमला होण वाला है, परवाने नज़र आ रहे हैं ते तुसी कर दिओ। हाँ, जिहड़े काश्तकार ना ला सकन, बाज़ार चों आम मिल जांदा, कोई एडा वड्डा मसला नहीं है,
ये मिल जाते हैं जिनसी फंदे। अगर किसी काश्तकार को नहीं मिलते तो वह फुल वेखे सफेद सफेद फुल अगर उन्होंने मदानी नुमा नज़र आ रहे हैं, 100 फुल उन्हें चैक किए तो 100 फुलों के उन्होंने 5 फुल नज़र आ गए हैं मदानी नुमा, तो वह साडा ETL लैवल हो जाता है। सानू फिर उदो स्प्रे करना चाहिए ताकि गुलाबी सुंडी का तदारक कर सके। ठीक है अमर साहब, थोड़े नाल असीं गलबात जारी रखने हैं। तो साढ़े जिहड़े इस खेत के काश्तकार ने वह भी साढ़े नाल आ गए हैं, तो असं अपने नाज़रीन उन्हों का तारा भी करवा चलीए। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम दसो, आपका मौजा दसो। पर मोहम्मद रमजान जी, मौजा टुकड़ा नंबर 1, बस्ती एसन टुकड़ा नंबर 1। ते ए तुहानू जिहड़ा जिनसी फंदियां दा आइडिया किवें आया या तुहाडे नाल महकमे ने तावन कीता, थोड़े बारे तफसील दसो सानू। महकमे दा तावन फिलहाल कोई नहीं है, जिनसी फंदे तो असीं अपने तौर पर ही लाए, लेकिन ये कोई महकमा अज तो 12-14 साल पहले लाँदा रही है इत्थे, तो उन्होंने वेखदे होया असीं हुणे दी जरूरत महसूस की है भी आया कि वार्निंग जिहड़ी ए दी गुलाबी दी इतलाह बतौर इतलाह असी दे लई भी आया कि जदों परवाने ज़्यादा आवणगे तो उदों असीं गुलाबी दे लई तैयार हो जावांगे उहदे स्प्रे वास्ते। यही है महकमे का तावन तुहाडे नाल नहीं है, लेकिन हुण तुहाडे कोल महकमे वाले आए खड़ोते ने, इहदे मुतलक तुहानूं अगर किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, ज़रात ऑफिसर तुहाडा फील्ड असिस्टेंट सारी टीम इत्थे आई हुई है। वो वक्तन फवक्तन असीं इन्हां नूं मिलदे ही रहिंदे आ, बहरहाल इन्हां दे कोल जो भी जरूरत हुंदी है वो ये देंदे ने, लेकिन ये बहरहाल नहीं फिलहाल गौरमेंट कोई इन्हां नूं सबसिडी या कोई नहीं। इस हवाले नाल यासर साहब ये है कि गाहे बगाहे साड़ियाँ स्कीमां तो आदि रहनी, हूँ भी स्कीम आई हुई है जिंदे च असीं PB रोप सिक इस तो हट के एक चीज़ है, चीज़ प्रिंसीपल तरीकाकार उहदा भी यही है, लेकिन वह है कि असीं 50 एकड़ का कट्ठा ब्लाक होएगा उहदे विच असीं तारां लवाने हैं, ये 100 तो 120 तार एक किले विच लगदी है। PB रोप्स भी जिनसी फंदियां दी एक किस्म है, जिनसी फंदे ही ने। ठीक है, PB रोप्स है वो जिनसी फंदे ही ने, लेकिन वो तारा दी शक्ल है, चार तारा दी शक्ल चार, वो असी आ पौधा जिस तरह ना जी इस पौधे दे असी इत्थे ला देंगे, वो जिवें जिवें पौधा वड्डा हुंदा जाएगा वो भी करेगा, वो 90 दिन तक कंट्रोल देंदी है, काफ़ी हद तक कंट्रोल देंदी है, क्योंकि मेल कन्फ्यूजिंग टेक्नीक इहनूं की बोला जांदा है, मेल वो उन्हां तारां नूं टकरा मार मार के खत्म हो जांदा है। अगर ये महकमे की तरफों ही इंट्रोड्यूस करवाया गया सी लोगों को कि भैया इस तरह के तुम फंदे लाओ ताकि तुहानू फायदा होवे, तो वो जिहड़े फिर ज़्यादा एक्टिव लोग ने उन्होंने वो गल नू पिक किया, पिक करके तो हुण वो इस टेक्नोलॉजी तो फायदा चुक रहे हैं। तरीकाकार की होंगे, इन्होंने थोड़े ज़्यादा लाए हुए हैं, 6 लाए हुए हैं, लेकिन इनका तरीकाकार होंगे कि 5 से 10 एकड़ के असी मोनीटरिंग वास्ते एक फंदा लवाने, उस तो सानू आइडिया हो जाता है भी वो परवाने किन्ने आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ होर हो रही है, क्या हुण तुसीं देखो ना परवाने बहुत ज़्यादा सी, तो ये परवाने गुलाबी दे नहीं सी। अच्छा एक होर कीड़ा साड़ा कीड़ा है जिहड़ा साडे दाने वगैरह या स्टोर पेस्ट असीं नूं बोलने हैं, वह भी बिल्कुल इस तरह का परवाना होंदा है, तो वह भी अट्रैक्ट होकर काफ़ी आ जाता है, काफ़ी पिछले 3-4 साल। लेकिन गुलाबी सुंडी तलावें का मतलब है कि दूजी बीमारियों की भी निशानदेही कर रहा है, उनकी निशानदेही करता है, लेकिन वो जो कीड़ा है ना वो नुकसान नहीं देता फसल में। हाँ इन 2-4 परवाने गुलाबी दे आ जाते हैं जदों, तो उदों फिर थोड़ा आइडिया हो जाता है, गुलाबी का तुम परवाना गुलाबी नेड़े तेड़े है साडे, उन्होंने थोड़े थोड़े चित्तर जे पै आउणगे, ये बिल्कुल साफ होएगा, उन्होंने चित्तर जे पै आउणगे, और हाथ लाओगे थोड़ा तो थोड़ा हाथों से काला भी लगेगा, तो वह गुलाबी का होएगा, बिल्कुल छोटा होंदा परवाना, और उनकी फिर इंडीकेशन होंदी है उस दे विच असी जिवें कह लो ना कि सानू घंटी वज जांदी, फिर असी स्प्रे करने हैं, तो अल्लाह ताला करम कर लगता जी। बिल्कुल नाज़रीन, ए ज़रात ऑफिसर अमर इकबाल साहब सानू दस रहे सन, तो काश्तकार भी साढ़े नाल मौजूद ने, ए जिनसी फंदे दे मुतलक असां तुहानू पूरी तफसील नाल आगाह किया। तो अगर तुहानू साडी ये कावश हो साडी वीडियो पसंद आए तो साडे चैनल नू लाइक करो, सबसक्राइब करो, तो वीडियो नू जिहड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, तो सब तो आखिर ते अपने मेज़बान यासर मुमताज़ नू दिओ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।